हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहें। आज फिर हम एक द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल लेके आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे हाउ यू कैन इम्प्रूव योर वे ऑफ स्पीकिंग। स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा ये वीडियो, स्पोकन इंग्लिश के लिए बेनिफिट रहेगा। और अगर आप GS पेपर 1, 2, 3, 4 की जो तैयारी कर रहे हैं, मेंस आंसर राइटिंग की, तो उसके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट आपकी बढ़ेगी इससे। और नेचुरल डिजास्टर, मैन मेड जो नेचुरल डिजास्टर हो रहे हैं, आपदा आ रही हैं, क्या वो मैन मेड हैं? देखो ये सीन दिखाया गया है, द डैमेज किरतारपुर मनाली रोड फॉलोइंग हैवी रेनफॉल नियर पंधो इन मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे मंडी डिस्ट्रिक्ट का एक सीन दिखा गया, रोड कैसे ब्रेक हो गया है, तो बोलते हैं इनको नेचुरल डिजास्टर। तो इनके बारे में जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि ये नेचुरल डिजास्टर हैं क्या, नेचुरल डिजास्टर बोलते हैं जो अपने आप होने वाली, क्या मैन मेड हैं, आदमी ने बनाया इनको। तो जो भी इसमें चीज़ दी गई है या जो भी कंटेंट दिया गया, मैंने उसको सिंप्लीफाई फॉर्म करके लिख दिया, ताकि आपके कंप्रेंशन के लिए ईजी रहे। तो यहाँ पर बात करेंगे हम टोटल रेंज इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया। टोरेंशियल रेन, टोरेंशियल क्या होता है? बोछार वाली रेन। यहाँ पे बात हो रही है टोरेंशियल रेन की, जो कि बोछार वाली रेन है सेवरल पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया। तो बहुत जगह ये चल रही है, सेवरल पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया में टोरेंशियल रेन आ रही है। तो इससे क्या होता है कि पर्टिकुलरली हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड में आ रही है, जो कि पहाड़ी एरिया है। डैमेज्ड हाईवे, जैसे डैमेज हाईवे का पिक्चर हमने देखा, एंड बिल्डिंग्स एंड टुक हंड्रेड्स ऑफ लाइव्स while a warming arctic is said to be a cause for the usually heavy rains। तो गर्म होना आर्कटिक ओशन का, जो आपको पता है रशिया वगैरह से ऊपर है आर्कटिक ओशन, अंटार्कटिक नीचे वाला होता है, आर्कटिक की बोल रहे हैं कि आइस पिघल रही है, आइस मेल्टिंग हो रही है, तो इसलिए क्या है वहाँ पे क्राइसिस आ रहा है, फ्लड आ रहे हैं। तो इज सेट टू बी, मतलब इसको कहा गया है इज सेट टू बी ए कोज फॉर द, कारण बताएगा अनयूजअली हैवी रेन्स, ईयर्स ऑफ हैपजार्ड प्लानिंग, मतलब हैपाजार्ड होती है, मतलब उलट उथल पुलट, हैपाजार्ड मतलब बिल्कुल एक सिस्टमेटिक वे में प्लान नहीं किया गया या कंस्ट्रक्शन नहीं किया गया, किसको कंस्ट्रक्शन है मल्टीप्लाई द ट्रेजेडी, उन्होंने एग्रावेट कर दिया है उसको, एग्रेंडाइज कर दिया, बढ़ा दिया प्रॉब्लम को। टू व्हाट एक्सटेंट आर नेचुरल डिजास्टर मैन मेड, तो ये राइटर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने मतलब लेवल तक ये मैन मेड हैं, कितने एक्सटेंट तक। द स्केल ऑफ नेचुरल डिजास्टर दैट वी नाउ सी अक्रॉस द वर्ल्ड, तो स्केल ऑफ नेचुरल डिजास्टर अक्रॉस द वर्ल्ड हम देखते हैं आर डेफिनेटली मैन मेड, ये मैन मेड है। सम सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन आर मोर वल्नरेबल, कुछ सेक्शन पॉपुलेशन कैसे हैं जो वल्नरेबल हैं, उनको हानि पहुंचाई जा सकती है कभी भी। टू देम मोर एट द रिस्क देन द अदर, एज कम्पेयर टू द अदर्स दे आर मोर वल्नरेबल। तो हैं ह्यूमन हैव प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन इनहांसिंग द रिस्क फ्रॉम क्लाइमेट हजार्ड, तो ह्यूमन्स जो आदमी हैं हैव प्लेड, उन्होंने रोल निभाया है। देखो ये हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो ह्यूमन्स और हैव हैव आएगा प्लूरल के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये, इसको आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई मतलब इवेंट हो जाता है और उसका इफेक्ट अभी तक रहता है, तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट यूज होता है, और जहाँ पे कोई भी चीज़ मतलब बिल्कुल पास्ट में हो जाती है और उसका वर्णन किया जाता है, उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होते हैं, मतलब वहाँ पे पास्ट टेंस यूज होता है। वी हैव बिल्ट ऑन फ्लड प्लेन्स, हमने बनाए हैं फ्लड प्लेन्स, एनक्रोज वाटर बॉडीज, मतलब इनक्रोज क्या है, वाटर बॉडीज में इनक्रोज हो घुस गए हैं वहाँ पे, मतलब मिट्टी डाल के घर बना लिए हैं। प्लान अवर सिटीज़ विदाउट थिंकिंग अबाउट सस्टेनेबिलिटी, हमने बिना सस्टेनेबिलिटी के सोचे के घर बना लिए वहाँ पे। सो ह्यूमन्स आर रिस्पॉन्सिबल, इनके लिए आदमी जिम्मेवार है। देर आर ए फ्यू डिफरेंट वे इन विच लैंडस्केप ऑफ डिजास्टर इन इंडिया, मतलब जो क्षेत्र है, लैंडस्केप ऑफ डिजास्टर इंडिया हैज चेंज, लैंडस्केप इसका चेंज है, प्रैक्टिकल व्यू में चेंज हो गया है। वी आर कॉन्स्टेंटली टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्बन प्लानिंग, हम लगातार अर्बन प्लानिंग के बारे में बात करते हैं। हाउ द मूवमेंट ऑफ पीपल टू अर्बन सेंटर हैव अफेक्टेड नेचुरल लैंडस्केप, तो ये बात करते हैं कि मूवमेंट ऑफ पीपल, आदमियों का जो मूवमेंट है, हलचल है अर्बन सेंटर में, पीपल टू अर्बन सेंटर हैज अफेक्टेड नेचुरल लैंडस्केप को ख़राब कर दिया, क्योंकि वहाँ पर आदमी आ गए हैं, कंजस्टेड हो गया है नेचुरल लैंडस्केप है, जो भी मिट्टी डाल के वहाँ पर घर बना लिए हैं। सम लैंडस्केप हैव चेंज ड्रास्टिकली इन एक्सीडिंग देयर कैरिंग एरिया कैपेसिटी एंड दिस हैज एग्जरबरेटेड द एक्सटेंट ऑफ लॉस एंड डैमेज इन देयर एरिया, तो जितनी कैपेसिटी है वहाँ की उससे ज़्यादा आदमी रहने लगे हैं, तो इससे क्या होता है कि वहाँ के एरिया की बिल्कुल ही बुरी हालत हो गई है। इन मुंबई वी हैव फ्लड विसेरली एंड द सिटी हैज़ कंटिन्यू टू ग्रो,
मुंबई की हालत बहुत ज़्यादा खस्ती हो गई है, बिल्कुल ज़्यादा परेशानी हो गई है, विस्तरेली हो गया वहाँ पे, एंड द सिटी हैज़ कंटिन्यू टू ग्रो। तो मुंबई की हालत एक एक्सटेंट से ज़्यादा बढ़ गई है, मतलब उससे ज़्यादा ख़राब हो गई है। एंड मुंबई हैज़ इट्स ओन डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी, मुंबई की एक अलग से डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी है, उसके लिए आपदा को मैनेजमेंट करने वाली एजेंसी है। इट हैज़ बीन एंगेजिंग विद द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, ये एंगेज हैं जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के साथ, IITM के साथ, जो कि डेवलप करते हैं मॉडल्स टू प्रिडिक्ट फ्लड्स बेटर। तो ऐसा मॉडल जो कि फ्लड्स को पहले से ही मतलब एक प्रिडिक्ट कर लेगा, अनुमान लगा लेगा। मुंबई हैज़ बीन एबल टू परफॉर्म मच बेटर इन दिस रिगार्ड देन दिल्ली, मुंबई अच्छा परफॉर्म कर रही है एज कम्पेयर टू दिल्ली विच इज सीइंग जो देख रही है, जिसको फील हो रहा है बार बार रिकरेंट बार बार आने वाले फ्लड्स। डेवलपमेंट ट्रांसलेट्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, ट्रांसलेट हो जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ में, क्योंकि वहाँ पे बिल्डिंग बन जाती है। हाउएवर वी डोंट पे इनफ अटेंशन टू वेदर और डेवलपमेंट जो पाथवे है, रास्ता है, आर सस्टेनेबल, ये सस्टेनेबल है मतलब आगे तक सस्टेन करेगा, तो हम इसके बारे में सोचते नहीं ज़्यादा। सस्टेनेबली मीन्स एम्फेसाइजिंग नॉट ओनली द इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स पे ज़्यादा एम्फेसिस नहीं देना है, मतलब खाली ग्रोथ पे नहीं बात करनी है हमें, ग्रोथ तो हो जाएगी बट हमें डेवलपमेंट की बात करनी है एंड ऑल्सो सोसाइटी एनवायरमेंट। द ओनली सोल्यूशन इज अडेप्टिंग दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDG जो 17 SDG हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूनाइटेड नेशन के द्वारा डिसाइड किए गए, उनके बारे में हमें इंप्लीमेंट करना चाहिए, उनको केयरफुल अर्बन प्लानिंग होनी चाहिए एंड क्रिएटिंग रोड्स एंड स्ट्रीट्स कीपिंग दीज इन माइंड, जो गलियाँ हैं या रोड हैं उनको ध्यान में रख के बनानी चाहिए। सिटीज़ हैड टू स्टार्ट, उनको हैड टू मतलब ये कंपल्सरी है कि स्टार्ट करना, थिंकिंग ऑफ द लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, सिटीज़ को मतलब करना था ये, बहुत थिंग सोचना चाहिए था लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। इट कम्स डाउन टू अंडरस्टैंडिंग दैट देयर आर नो क्विक फिक्स सोल्यूशन टू वट वी आर गोइंग थ्रू, तो ये इस बात पे आ जाता है कि अंडरस्टैंडिंग हमारी इतनी है कि भाई अभी क्विक फिक्स मतलब जल्दी फिक्स होने वाले सोल्यूशन नहीं है, वट वी आर गोइंग थ्रू वी विल हैव टू थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म रिस्क असेसमेंट, लंबे टाइम के तक के क्या रिस्क हो सकते हैं, अभी तो चलो उसके रेप्रिकॉशन हमें फेस नहीं करने पड़ रहे, तो लंबे टाइम पर हमें फेस करने पड़ सकते हैं। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट होना चाहिए, कितने कितने वल्नरेबिलिटी है किसी चीज़ में, एंड अंडरस्टैंड हाउ सोशो इकोनॉमिक ड्राइवर्स आर वर्सिंग दी प्रॉब्लम, सोशो इकोनॉमिक या सोशल जो समाज के हैं या इकोनॉमिक ड्राइवर हैं जो धक्का दे रहे हैं इसको, वर्सनिंग कर रहे हैं प्रॉब्लम को इन दी सर्टेन कम्युनिटीज कम्पेयर टू दी अदर इन सिटी। वाइल डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन माउंटेन्स डाटा सेट्स आर ओपन प्रेटी ओल्ड एंड डू नॉट डायरेक्टली प्रोवाइड सफिशेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द फ्यूचर, जो डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है माउंटेन्स में या डाटा सेट्स कुछ दिए गए हैं आपर ऑपरेटिव ओल्ड बहुत पुराने हैं, डो नॉट डायरेक्टली प्रोवाइड सफिशेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द फ्यूचर। इफ़ यू टॉक अबाउट द हिमालय टेरिटरी फॉर इंस्टांस, इस एग्जाम्पल लेते हैं हिमालय टेरिटरी का, वी हैव ए वेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग बिकॉज ऑफ एन इनएडुकेट ऑब्जर्वेशन नेटवर्क, तो हमारे पास लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है बिकॉज ऑफ इनएडुकेट, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ऑब्जर्वेशनल नेटवर्क नहीं है, मतलब उसको ऑब्जर्व करने के लिए हमारे पास एक कोई इन्फॉर्मेशन का कोई नेटवर्क नहीं बना हुआ है। वाइल वी अंडरस्टैंड दैट देर आर सर्टेन रीजन्स दैट आर इंक्रीजिंगली बिकम मोर फ्लड प्रोन, कुछ ऐसे एरिया हैं कि जो लगातार बढ़ रहे हैं वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लड आ रही हैं, एंड वट रियली हैव टू डू इज थिंक ट्रांसफॉर्मेटिवली, हमें मतलब एक अपने ट्रांसफॉर्मेशन चेंज लाना पड़ेगा सोचने के तरीके में। वी हैव टू एनालाइज दैट इम्प्लीकेशन, जो कि जटिलताएँ हैं इम्पोजिंग ए स्ट्रिक्ट कैरिंग कैपेसिटी इन दी सर्टेन रीजन्स, तो कुछ ऐसे रीजन हैं जहाँ पे हमें स्ट्रिक्ट मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर कैरिंग कैपेसिटी पे रोक लगानी पड़ेगी, नॉट अलाउिंग फॉर मोर अर्बनाइजेशन टू हैपन इन सर्टेन एरिया, ऐसे कुछ मान लो एरिया भी हैं जहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है तो उनको रोकना चाहिए, रिस्ट्रिक्टिंग सर्टेन वे इन विच इंफ्रास्ट्रक्चर इज बिल्ट, स्पेशली जैसे कि जो भी हमारे नेचुरल एरिया हैं, पहाड़ी एरिया हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से पहले हमें कई बार सोचना पड़ेगा और उसके पहले ही कैलकुलेशन लगानी पड़ेगी इसका कितना लॉन्ग टर्म असेसमेंट हो सकता है, वल्नरेबिलिटी होती है। तो इस आर्टिकल में पूरी इतनी ही बात कही गई है कि भाई नेचुरल डिजास्टर क्या मैन मेड है, ये राइटर बोल रहा है कि हाँ हम जगह जगह घर बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो उससे हमारे जो कि नॉर्मल सस्टेनेबल को दिक्कत आ रही है, मतलब सस्टेन नहीं कर पा रहा, वो थोड़ी देर लिए ट्रांजिटरी है, थोड़ा टाइम के लिए ही रहता है, लंबे टाइम के लिए सस्टेन नहीं कर पा रहा है। दूसरा क्या है, राइटर बोल रहा है कि ये चीज़ों को हम कम कर सकते हैं कैसे, कि कुछ जो स्टेक होल्डर हैं वो इकट्ठे हो गए और जैसे आदमियों से पूछे कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, फिर एक मतलब कोई उसका कोई मान लो बोर्ड बना के वो डिसाइड करें कि हाँ इसकी लॉन्ग टर्म वल्नरेबिलिटी क्या होगी, वल्नरेबिलिटी है तो मतलब उसको देखा जाएगा कि यहाँ यहाँ पे इनको रिस्क है तो लंबे टाइम पे प्रॉब्लम कर सकते हैं, इसलिए वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ना बनाए,
और नॉर्मल चीज़ों को, नेचुरल चीज़ों को वहीं पे रहने दें, वहाँ की जो इकोलॉजी को डिस्टर्ब ना करें। तो यही राइटर कहना चाहता है। तो आज के लिए इतना ही। शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच। और कमेंट जरूर करना अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है। इट्स माई लाइक वेरी हार्डली रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ कमेंट करो, लाइक करो, ताकि इससे ये वीडियो और ज़्यादा आदमियों तक जा सके। थैंक यू वेरी मच। बाय।